वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। तो आज मेरा पोटैटो चिली खाने का मन है, तो आज वही बनाती हूँ। हमने कटे हुए आलू को इस शेप में कट करके रखा हुआ है, इसे डालना है इसमें पानी में, इसे बॉईल करनी है, ठीक है। इसे थोड़ी देर बॉईल करनी है, जब बॉईल हो जाएगी फिर इसमें 2 चम्मच मैदा, 1 चम्मच के हिसाब से अरारोट और लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और अदरक लहसुन की पेस्ट और विनेगर, इसे डालकर इन्हें मिक्स कर देना है। और ये पानी डालनी है थोड़ी, इसे यूं मिक्स करके बना देना है। अब हमने घोल बनानी है, पहले 1 चम्मच अरारोट ले लेना है, उसमें पानी डाल के इसे मिक्स कर देना है घोल की तरह, और 1 चम्मच के हिसाब से सोया सॉस, विनेगर 1 चम्मच के हिसाब से, चिली सॉस और फिर टोमेटो सॉस, इसे करके केचप आप ज्यादा भी थोड़े डाल सकते हो, फिर इन्हें ऐसे मिक्स कर देना है। ये है कटी हुई प्याज, कैप्सिकम, सांडा, अदरक लहसुन, हरी मिर्च, ये सब हमने कट करके रखी हुई है, इन्हें हमें फ्राई करना है, और ब्लैक पेपर, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, इसे जो हमने मिक्स किया था उसे रिफाइन में फ्राई करना है। फ्राई करके इसे निकाल देंगे। अरे ये तो फ्रेंच फ्राइज है, पर जो भी हो है तो आलू की भुजिया ही। और ये हमने कट करके रखा हुआ था, उन सबको फ्राई करना है। फ्राई कर देती हूँ, ज्यादा फ्राई नहीं करना है। बस हल्का सा आलू फ्राई कर देना है। और ये नमक है, इसमें नमक मिक्स करके, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, ब्लैक पेपर, इसे मिक्स करके फ्राई करनी है। और ये जो घोल बना के हमने रेडी किया था इसे इसमें वापस से मिला देना है, यही तो असली इसकी ट्रिक है। और ये पोटैटो को मिक्स करके 1 से 2 मिनट तक मैक्सिमम इसे फ्राई करना है, और बस 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 रेडी हो जाएगी मेरी पोटैटो चिली। हो गई, ये मस्त बना है, ये तो देखने में ही मस्त लग रहा है, पक्का ये टेस्टी बना होगा। आप बताना आपको कैसा लगा, रिव्यू देना आप, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।